नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जयपुर में डोर टू डोर कचरा उठाने वाली बीवीजी इंडिया कंपनी के 276 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान के बदले 20 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने से जुड़े मामले में आरएसएस प्रचारक निम्बाराम केस में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने निम्बाराम को राहत बरकरार रखते हुए किसी भी कार्यवाही पर रोक के आदेश दिए हैं। इस मामले में राजकीय अधिवक्ता मंगल सिंह सैनी ने कोर्ट में फैक्चुअल रिपोर्ट पेश की। हाई कोर्ट में जस्टिस फरजंद अली ने कोर्ट की राजकीय अधिवक्ता को केस डायरी सहित ऑडियो और वीडियो पेश करने के आदेश दिए। लेक सिटी उदयपुर में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए प्रशासन नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। यहाँ पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को पेट्रोल और डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निजात दिलाने की दिशा में कलेक्टर ताराचंद मीणा ने नई पहल की है। इसके तहत शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग करने के लिए 37 स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। शुक्रवार को इस संबंध में कलेक्टर मीणा ने यूआईटी सचिव अरुण हसीजा, नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारट और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली कंपनी के साथ बैठक की। राजस्थान के मेवाड़ में अफीम के खेत सफेद फूलों से महकने लगे हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कश्मीर का टूलिप गार्डन हो। वल्लभ नगर खंड क्षेत्र में सर्द मौसम में अफीम की फसल इन दिनों पूरे यौवन पर है। उदयपुर जिले के वल्लभ नगर उपखंड क्षेत्र में अनुज्ञाधारी किसानों ने करीब 110 हेक्टेयर में अफीम बुआई की है। अभी कुछ खेतों में फूलों के बाद डोडे दिखना शुरू हो गए हैं, वहीं अनेक खेतों में दोबारा बोई फसल अभी छोटी है। रीट परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे राजस्थान बेरोजगार महासंघ एकीकृत के अध्यक्ष उपेन यादव ने अजमेर पहुंचकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। महासंघ के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष डीपी जारोली को गिरफ्तार किया जाए और इसी के साथ इस महत्वपूर्ण परीक्षा का जो डाटा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है उसे सार्वजनिक किया जाए ताकि इस परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को उजागर किया जा सके। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में पुनर्वास के नाम पर बड़ा खेल हुआ है। कोरोना काल में जयपुर के प्रतापनगर स्थित कोचिंग हब की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे 19 लोगों को पुनर्वास के नाम पर 45 लाख रुपए कीमत की दुकानें 6-6 लाख रुपए में आवंटित कर दी गई। इस मामले में विधायक और पूर्व यूडीएच मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी आपत्ति उठाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की है। राजस्थान के पाली जिले में एक शख्स ने अपनी पत्नी को वैलेंटाइन डे पर जिंदगी का तोहफा दिया। पाली के डॉक्टर सुरेश चौधरी ने कोरोना संक्रमित पत्नी अनीता को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अंत में प्यार की जीत हुई और उन्होंने अपनी पत्नी को बचा लिया। डॉक्टर सुरेश चौधरी ने कोरोना के कारण बीमार हुई पत्नी के इलाज के लिए अपनी MBBS की डिग्री गिरवी रख दी। देखभाल में 125 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आज इस जोड़े की हर तरफ जमकर चर्चा हो रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने कहा है कि बीकानेर रेल मंडल के अधीन सभी मुख्य रेल लाइनों के विद्युतीकरण का कार्य वर्ष 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। सूरतगढ़ से बीकानेर तक के रेल लाइन का निरीक्षण आज सुबह आरंभ करने से पहले महाप्रबंधक विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। महाप्रबंधक विजय शर्मा ने कहा कि बीकानेर रेल मंडल क्षेत्र में रेल लाइनों के विद्युतीकरण का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। जोधपुर संभाग के पाली जिले में थानेदार सहित 5 पुलिस कर्मियों ने एक ज्वेलर और उसके दोस्त को किडनैप कर 2 लाख रुपए और 4 लाख की ज्वेलरी लूट ली, साथ ही झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। शिकायत पर शिवपुरा के थानेदार अनिल कुमार सारण और 2 कांस्टेबल गीगा राम व तुलसी राम को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टरमाइंड एजेंट और 2 पुलिस के जवान फरार चल रहे हैं। पाली SP राजन दुष्यंत ने बताया कि 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वारदात 15 फरवरी की है। जोधपुर शहर के लोग अब कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक हुए हैं और चिकित्सा विभाग व जिला प्रशासन भी कोरोना उन्मूलन के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी सोच के मद्देनजर चिकित्सा विभाग की वैक्सीनेशन वैन घर घर जाकर वैक्सीन लगा रही है। इसी कड़ी में वैक्सीनेशन वैन ने झवर रोड स्थित वैष्णव नगर में 93 वर्षीय वृद्ध दीपचंद कृष्णानी के घर जाकर दूसरी डोज लगाई। दीपचंद कृष्णानी राजकीय महाविद्यालय से सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। रेलवे ने बीकानेर से रतनगढ़ के बीच विशेष रेल चलाने की तैयारी कर ली है। ये ट्रेन शनिवार से शुरू होगी। सवारियों की संख्या बढ़ी रही तो ट्रेन नियमित रूप से चलाई जाएगी। फिलहाल इसे ट्रायल के तौर पर शुरू किया जा रहा है।
रेलवे शनिवार से नई पैसेंजर डेमो ट्रेन रतनगढ़ से बीकानेर तथा रविवार से बीकानेर से रतनगढ़ चलाएगा, जो आगामी सूचना तक रोजाना संचालित की जाएगी। यह ट्रेन आज 19 फरवरी रात 8:20 पर रतनगढ़ से बीकानेर के लिए रवाना होगी तथा रात 11:15 पर बीकानेर पहुंच जाएगी। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने लूणी के उपखंड कार्यालय एवं तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया, साथ ही वहां पंचायत समिति लूणी एवं धवा के समस्त ब्लॉक लेवल के अधिकारियों की बैठक लेकर प्रमुख योजनाओं की क्रियान्वति के संबंध में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को जल कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर अधिक से अधिक लाभान्वित करें। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रीय स्तरीय लोकानुरंजन मेला शुक्रवार शाम को जयनारायण व्यास स्मृति भवन में शुरू हुआ। राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश मुराणा ने इस लोकानुरंजन मेले का उद्घाटन किया। अकादमी सचिव अनिल कुमार जैन ने बताया कि लोक कला के इस महाकुंभ में देश के 11 राज्यों के कलाकार अपनी लोक रंजक परंपरागत लोक कलाओं का मनोहारी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शेर ए राजस्थान के नाम से विख्यात स्वर्गीय जयनारायण व्यास की जयंती शुक्रवार को श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर उनके समाधि स्थल व उनकी प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। समाधि स्थल के बाद व्यास पार्क व जूनी मंडी स्थित उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। जोधपुर में आखलिया चौराहा के पास एक पान की दुकान में चोरी हो गई। चोर यहां से करीब 22,000 रुपए की नकदी और अन्य सामान चुरा ले गया। यह चोरी यहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसके फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोर की तलाश शुरू की है। इस संबंध में देवनगर पुलिस थाना में रिपोर्ट दी गई है। राजस्थान डेस्टिनेशन और थीम वेडिंग के लिए पॉपुलर है। इन दिनों बीकानेर में भी एक ऐसे ही थीम वेडिंग के लिए चर्चा में बना हुआ है। यह थीम वेडिंग होने के साथ एक शाही शादी भी है। इसमें परिवार अपनी 3 बेटियों की शादी के ड्रीम को पूरा करने के साथ पूरे गांव का हवाई सैर का सपना भी पूरा कर रहा है। परिवार ने गांव वालों का सपना पूरा करने के लिए एक हेलीकॉप्टर और पैरासेलिंग की व्यवस्था की है। बीकानेर नोखा के सिलवा गाँव में उद्योगपति पद्माराम कुलरिया की 3 पोतियों भावना, संतोष और किरण की शुक्रवार को शादी हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आप किस शहर से हैं? यह वीडियो कहां तक पहुंचा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपके क्षेत्र के बारे में हम नई जानकारी दे सके। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।